हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम चैप्टर 4 की समरी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नरसम्मा इज द ओल्ड विडोड मदर ऑफ मूर्ति। शी कम्स टू नो ऑफ भट्टास वार्निंग दैट दोज हु मिक्स विद दी शुद्रास विल बी एक्सकम्युनिकेटेड। नरसम्मा जो है वो मूर्ति की माता जी है। तो इसमें बताते हैं कि जब उन्हें पता चलता है कि भट्टा ने वार्निंग दी होती है मूर्ति को कि वो शुद्रास के साथ कोई भी ताल्लुकात ना रखे, उनके साथ मिक्सअप ना करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो उसे निष्कासित कर दिया जाएगा, मतलब कि गांव से शायद बाहर ही निकाल दिया जाएगा। इसलिए वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाती है, उन्हें अपने बेटे की चिंता सताती है। वो इससे पहले भी बहुत निराश हो गई थी जब मूर्ति ने अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी। हर ड्रीम ऑफ मूर्ति गोल्डन फ्यूचर वॉज शैटर्ड एंड नाउ देयर इज द थ्रेट ऑफ एक्सकम्युनिकेशन। तो जब मूर्ति ने पढ़ाई छोड़ दी थी तो उन्हें समझ में आया कि जो उनके बेटे के लिए जो सपना देख रही थी फ्यूचर का, गोल्डन फ्यूचर का, वो ख़राब हो चुका है। अब उसके बाद क्या होता है कि उसको थ्रेट वार्निंग्स मिल रही हैं, अब उसको निष्कासित भी किया जा सकता है, निकाला भी जा सकता है गाँव से। तो ये उनके लिए और चिंता बढ़ाने वाली बात थी। शी डिसाइड्स टू परसुएड मूर्ति टू गिव अप हिज एक्टिविटीज़। मूर्ति कम्स फ्रॉम द सिटी विद अ बंडल ऑफ बुक्स एंड अदर मटीरियल। ही पुट्स इट इन टू द कांग्रेस रूम एंड गोज टू हिज मदर। बट हिज मदर इज़ एंग्री विद हिम। शी टेल्स हिम दैट ही वुड नॉट बी वेलकम इन होम अंटिल ही हैज़ बीन प्योरीफाइड बाई स्वामी। मूर्ति शहर जाता है और वहाँ से बहुत सारी किताबें और अदर मटीरियल और बाकी कुछ सामान लेकर आता है। उन सबको वो जो कांग्रेस का ऑफिस उन्होंने अपने घर में बनाया था वहाँ पर रख देता है। इसके बाद वो अपनी माता जी के पास जाता है, पर वो कहती है वो उसे घर में जब तक उसका स्वागत नहीं करेंगे जब तक कि वो अपने आप को शुद्ध नहीं करा के आ जाता स्वामी जी से। मूर्ति गोज आउट ऑफ द हाउस। आफ्टर सम टाइम भट्टा कम्स। ही टेल्स मूर्तीज मदर दैट मूर्ति वॉज वेरी एंग्री विद हिम, दैट इज विद भट्टा, फॉर सेइंग दैट स्वामी विल एक्सकम्युनिकेट हिम। बट मूर्ति हैड टोल्ड भट्टा दैट ही वुड नॉट गिव अप हिज वर्क। तो मूर्ति के घर से चले जाने के बाद भट्टा वहाँ आता है। वो उसकी माता जी को बताता है कि मूर्ति उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ है क्योंकि स्वामी जी ने उसको निष्कासित कर देने का सोचा है। लेकिन मूर्ति ये भी कहता है कि वो अपने कामों को नहीं छोड़ेगा। भट्टा की बातें सुनकर उनकी माता जी और ज़्यादा परेशान हो जाती है। नाउ नरसम्मा इज़ मोर वरीड अबाउट मूर्ति। फॉर मैनी डेज शी डज नॉट स्पीक टू हर सन, but Murthy grows stronger in his determination. One day Bhatta comes and tells her that Swami has excommunicated her son, his whole family and all the future generations. तो भट्टा की बातें सुनकर हमने देखा कि नरसम्मा जो है वो मूर्ति के लिए और अधिक चिंतित हो जाती है। तो इससे वो अपने कई दिनों तक अपने बेटे से बात तक नहीं करती है। लेकिन इसके बाद भी मूर्ति अपने इरादों में और अधिक मजबूत हो जाता है, वो अपने कामों को नहीं छोड़ता। फिर अचानक से एक दिन भट्टा उनके घर फिर से आता है और उनकी माता जी को बताता है कि स्वामी ने उनके बेटे, उनके परिवार और आने वाली सभी जनरेशन्स को, सभी पीढ़ियों को समाज से निकाल दिया है, उनको निष्कासित कर दिया है। नरसम्मा इज ग्रेटली शॉक्ड एंड डाइज दैट वेरी नाइट। मूर्ति गोज अवे फॉर सम डेज। व्हेन ही रिटर्न्स ही विजिट्स कन्हैयाज हाउस। तो भट्टा की बातें सुनकर नरसम्मा को बहुत ज़्यादा शौक लगता है और शौक में वो मरी जाती है। इस सब से दुखी होकर मूर्ति भी वहाँ से कई कुछ दिनों के लिए चला जाता है। जब वो गांव में वापस आता है तब वो कन्हैया के घर जाता है। ही इज़ गिवन फूड एट द किचन डोर एज इफ ही वर अशुद्रा, बट मूर्ति डज नॉट माइंड। ही कीप्स विजिटिंग द परिया हाउसेस। देन इट इज़ डिसाइडेड दैट ही वुड गो टू द स्केफिंगटन कॉफी इस्टेट एंड टीच द वर्कर्स ऑफ लो कास्ट देयर। तो वहाँ पे मूर्ति को खाना अच्छे से नहीं दिया जाता, लेकिन इसको भी वो माइंड नहीं करता, इसका भी वो बुरा नहीं मानता। इतना कुछ होने के बाद भी वो परिहा जो लोग होते हैं उनके घरों में जाना नहीं छोड़ता, क्योंकि वो जाता है और इन लोगों को भी पढ़ाई और लिखाई सिखाकर आता है। तो एक दिन वो डिसाइड करता है जो स्केफिंगटन कॉफ़ी इस्टेट है वहाँ के वर्कर्स जो है लो कास्ट है उनको भी वो पढ़ाएगा लिखाएगा। तो मूर्ति के जीवन का लक्ष्य ये होता है कि वो इन लोगों को अल्फ़ाबेट्स, ग्रामर, अर्थमेटिक, हिंदी वगैरह सिखाता है और कॉटन की सप्लाई भी करता है ताकि वो उसको बुन सके। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।